नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को गंगा जन्म की कथा सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। ऋषि विश्वामित्र ने इस प्रकार कथा सुनाना आरंभ किया। पर्वतराज हिमालय की अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी एवं स्वर्णगुण संपन्न दो कन्याएं थी। सुमेरु पर्वत की पुत्री मैना इन कन्याओं की माता थी। हिमालय की बड़ी पुत्री का नाम गंगा तथा छोटी पुत्री का नाम उमा था। गंगा अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण दैवी गुणों से संपन्न थी। वह किसी बंधन को स्वीकार ना कर मनमाने मार्गों का अनुसरण करती थी। उसकी इस असाधारण प्रतिभा से प्रभावित होकर देवता लोग विश्व के ज्ञान की दृष्टि से उसे हिमालय से मांग कर ले गए। पर्वतराज की दूसरी कन्या उमा बड़ी तपस्विनी थी। उसने कठोर एवं असाधारण तपस्या करके महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विश्वामित्र के इतना कहने पर राम ने कहा, हे भगवान, जब गंगा को देवता लोक सुरलोक ले गए तो वह पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई और गंगा को त्रिपथगा क्यों कहते हैं? इस पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, महादेव जी का विवाह तो उमा के साथ हो गया था, किंतु 100 वर्ष तक भी उनके किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। एक बार महादेव जी के मन में संतान उत्पन्न करने का विचार आया। जब उनके इस विचार की सूचना ब्रह्मा जी सहित देवताओं को मिली तो वे विचार करने लगे कि शिव जी के संतान के तेज को कौन संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी इस शंका को शिव जी के सम्मुख प्रस्तुत किया। उनके कहने पर अग्नि ने यह भार ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप अग्नि के समान महान तेजस्वी स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं के इस षड्यंत्र से उमा के संतान होने में बाधा पड़ी तो उन्होंने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दे दिया कि भविष्य में वे कभी पिता नहीं बन सकेंगी। इस बीच सुरलोक में विचरण करती हुई गंगा से उमा की भेंट हुई। गंगा ने उमा से कहा कि मुझे सुरलोक में विचरण करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर विचरण करूं। उमा ने गंगा आश्वासन दिया कि वे इसके लिए कोई प्रबंध करने का प्रयत्न करेगी। वत्स राम तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। सगर की पटरानी केसिनी विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसिनी सुंदर, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमी की कन्या थी। दोनों रानियों को लेकर महाराज सगर हिमालय के भृगुप्रस्थ वन नामक प्रांत में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की बहन सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। उचित समय पर रानी केसिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का पालन पोषण घी के घड़ों में रखकर किया गया। काल चक्र बीतता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था और उसे नगर के बालकों को सरयू नदी में फेंक कर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सगर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा,
गुरुदेव मेरी रुचि अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है, अतः कृपा करके इस वृतांत को पूरा पूरा सुनाइए। राम के इस तरह कहने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरी भरी भूमि पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया, फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो इस आशंका से कि किसी ने घोड़े को तहखाने में ना छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस नृशंस कृत्य की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा कर दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस विषय में कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला चोर नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। रुष्ट होकर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वासुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव आंखें बंद किए बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन कुकृत्यों से कपिल की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर सगर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। वीर अंशुमान शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। मार्ग में जो भी पूजनीय ऋषि मुनि मिले उनका यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उस स्थान तक पहुंच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए जलाशय की खोज की किंतु उसे कहीं जलाशय दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी दृष्टि अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें सादर प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा कि बाबा जी मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ, पास में यदि कोई सरोवर हो तो कृपा करके उसका पता लगाइए। यदि आप इनकी मृत्यु के विषय में कुछ जानते हो तो वह भी मुझे बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ उदंड व्यवहार किया था जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं, अतः लौकिक जल से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इनका उद्धार संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ जिससे कि तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। गरुड़ जी की आज्ञानुसार अंशुमान वापस अयोध्या पहुँचे और अपने पितामह को सारा वृतांत सुनाया। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ति ना सूझी। थोड़ा रुककर ऋषि विश्वामित्र ने कहा,
महाराज सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान बड़ी न्याय प्रियता के साथ शासन करने लगे। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के वयस्क हो जाने पर अंशुमान दिलीप को राज्य का भार सौंप कर हिमालय की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे, किंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंप कर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। भगीरथ बड़े प्रजावत्सल नरेश थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप कर स्वयं गंगा अवतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी अभूतपूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो सके, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। इसके अतिरिक्त मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु तुम्हारे मांगे गए प्रथम वरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसके लिए तुम्हें महादेव जी को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा। वे एक वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसकी सूचना पाकर विवश होकर गंगा जी को सुरलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सुरलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे यह विचार करके कि मैं अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी, वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई। गंगा के इस वेगपूर्ण अवतरण से उनका अहंकार शिव जी से छुपा ना रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी के जटाओं से बाहर ना निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ के इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी सात धाराओं में बट गई। गंगा जी की तीन धाराएं हादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सूचक्षु, सीता और सिंधु नाम की तीन धाराएं पश्चिम की ओर बही और सातवीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहाकर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जाह्नवी ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी।
इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल में चली गई। उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा के तीन नाम हुए, त्रिपथगा, जाह्नवी और भागीरथी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।